My dear children, how are you all? I hope you all are fine. Okay, today I will teach you very important topic. ठीक है, आज मैं आपको बहुत important, बहुत ज़रूरी topic बताऊँगी जो कि आपकी life की में आपकी safety के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो good touch एंड बैड टच. ओके, गुड मीन्स अच्छा एंड बैड मीन्स बुरा एंड टच मीन्स छूना. ठीक है, जब आपको कोई टच करता है तो वो गुड है या बैड, उसके बारे में आज हम आपको बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन देंगे. ठीक है, सिन टुडेज टाइम एनवायरनमेंट ऐसी कई बातें हैं, ठीक है, जो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी हो गया है. ठीक है, उन्हीं में से एक है कि टीचिंग दैम हाउ टू रिकोगनाइज गुड टच एंड अ बैड टच. कैसे वो रिकोगनाइज करें, कैसे वो जाने कि कौन क्या गुड टच है और क्या बैड टच है. ठीक है, चलिए इसी पर अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट, अवेयरनेस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अ चाइल्ड अवेयर विद ऑल इज हैपनिंग अराउंड अस इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, हमको सबसे पहले इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग उससे अवेयर कराते रहना चाहिए, मतलब उसको बताते रहना चाहिए. ठीक है, जैसे गुड टच, इट इज़ अ वे टू शो, इट इज़ अ वे टू शो केयर लव एंड हेल्प. You feel pleasant and good. यानी good touch means जब आपको किसी ने touch किया तो आपको अच्छा feel हुआ, आपको अच्छा लगा, आपको उसके touch करने से एक relief मिला, सुकून मिला. ठीक है, तो ठीक है, मतलब जब पापा और मम्मी जैसे आपको touch करते हैं तो आपको प्यार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा feel होता है ना, तो that is good touch. ठीक है, वो क्या होता है आपका गुड टच. ठीक है, या जैसे भैया और दीदी जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर हैं, जब वो भी आपको प्यार करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फील होता है. ठीक है, आपको कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे आप. ठीक है, बहुत कंफर्टेबल रहोगे उन लोग के साथ में, मतलब बहुत आराम से रहोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगी उनके टच करने से, तो दैट इज़ गुड टच. नाउ बैड टच, इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, यू फील अनप्लीजेंट और फील अनसेफ. You do not want to be touched in this manner. मतलब जब आपको इतना bad touch, मतलब जब आपको कोई छू रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत uncomfortable हो, आपको अच्छा feel नहीं हो रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आप safe feel नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो और आप ये नहीं चाहते कि वो आपको इस तरीके से छुए. ठीक है, जैसे वो छू रहा है, वो आपको जैसे टच कर रहा है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो दैट इज़ बैड टच. ठीक है, जब आपको कोई अनजान पर्सन टच करे या जिसके टच करने से आपको अनकंफर्टेबल फील हो, मतलब आपको अच्छा ना लगे, तो वो क्या है, वो दैट इज़ बैड टच. वो आपका क्या है, वो बैड टच है. ठीक है, आप सबको पता है बेटा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे ना. आप सबको पता है व्हाट इज स्विम सूट. स्विम, स्विम मीन्स तैरना. ठीक है, और सूट मीन्स जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है, जब आप स्विम करते वक्त जिसको पहनते हो, दैट इज कॉल्ड स्विम सूट. ठीक है, तो सीखिए, टीच देम. हाँ ठीक है, हाँ ना, स्विम सूट रोल. ठीक है, अब मैं आपको जो बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना. ओके, लिसन वेरी केयरफुली. स्विम सूट रोल टू टीच देम अबाउट बैड टच जोन. द स्विम सूट रोल्स कम हैंडी. उन्हें बताएं कि जो पार्ट या एरियाज कवर्ड होते हैं उन्हें देखने या छूने का किसी को भी अलाउड नहीं होता है. सो नो वन शुड अलाउड टू टच एंड व्हाट विल यू टू टच. ओके सॉरी. ठीक है, मतलब जब आपने स्विम सूट पहना बेटा, तो वो स्विम सूट पहनने पर आपके जितने पार्ट्स कवर्ड रहते हैं, ढके रहते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को किसी को भी छूने का हक नहीं होता है, किसी को भी अलाउड नहीं होता है, ना तो छूने का और ना देखने का. अंडरस्टूड बेटा, आप लोगों ने देखा है ना स्विम सूट.
ठीक है, अच्छा आप मम्मा को बोलिएगा वो आपको दिखाएंगी, ठीक है। तो जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है, मींस जब हम स्विम करते समय जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्विम सूट। तो उसको वेयर करने पर जितने पार्ट्स हमारे ढके रहते हैं, जो पार्ट्स हमारे नहीं दिखते हैं, वो पार्ट्स को किसी को भी देखने या छूने का अधिकार नहीं होता है, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नो वन शुड अलाउड टू टच, कोई भी नहीं, ठीक है। अच्छा, जब आप छोटे हो तो एक्सेप्ट योर मदर, और जब आप बड़े हो गए हो तो उनको भी वो चीज़ का अधिकार नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट विल यू डू इफ दे डू सो, आप क्या करोगे अगर कोई जना ऐसा करता है तो, ठीक है। मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको टच कर रहा है, ठीक है, फिर तब आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। सो यू शुड शाउट लाउडली, डोंट टच मी, डोंट टच मी, ठीक है। मीन्स आप जोर से चिल्लाओगे कि मुझे मत छुओ, ठीक है, मुझे मत छुओ, ठीक है, डोंट टच मी, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको बोलो मुझे मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड देन यू मस्ट रन टू सम एंड हुम यू ट्रस्ट टू इन्फॉर्म, ओके। आप जैसे ही, और उसके बाद आप क्या करोगे, तुरंत दौड़ोगे उस पर्सन के पास जिस पर आपको ट्रस्ट है और मतलब विश्वास है, और आप उनको ये बात बताओगे, ठीक है, है ना। और आप जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं तो आप अपने पेरेंट्स के बताओगे, अगर आप स्कूल में साथ में हो तो जो टीचर आपको लगता है कि मुझे, मैं इससे सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, तो आप उन टीचर को जा कर के बताओगे कि ये ऐसा ऐसा सर हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मुझे टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप स्कूल में हो तो आप अपनी टीचर या प्रिंसिपल को बता सकते हो बेटा, अगर आप घर पर हो तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, अगर फ्रेंड्स के बीच में हो तो जो आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको बता सकते हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और हम, और कोशिश करिए कि आप उस पर्सन के पास अकेले ना जाएं, ठीक है। अंडरस्टूड ना बेटा। वन मोर थिंग चिल्ड्रन, इफ़ यू आर अलोन एट होम और एनी अंकल और कज़िन और ब्रदर्स फ्रेंड कम्स, ठीक है, सो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू। अगर आप घर पे अकेले हैं और कोई भी अंकल आपके, ठीक है, पापा के फ्रेंड या भाई का फ्रेंड या आपका कोई कज़िन, मतलब चाचा या मामा का कोई बेटा, ठीक है, कोई भी जना अगर आपके घर पर आता है तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। सो डोंट ओपन द डोर एंड टेल देम टू कम व्हेन मामा एंड पापा आर देयर। आप अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, जब भी आप घर में बेटा अकेले हो, ठीक है, कोई भी आए एक्सेप्ट योर मदर एंड फादर या ब्रदर एंड सिस्टर, रियल ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, उनके अलावा कोई भी अनजान जिसको आप नहीं जानते हो, या जानते भी हो जैसे वो पापा के फ्रेंड है या भाई का फ्रेंड है या कोई कज़िन है, बट डोंट ओपन द डोर, आप डोर को ओपन नहीं करेंगे। और उन्हें क्या बोलेंगे कि जब मम्मा पापा घर पर होंगे तब आप लोग आइएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। ना पेरेंट्स, अगर आप लोग चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपने बच्चों को तो बुक्स, इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, गेट योर चाइल्ड द बुक बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड आस्क देम टू रीड एंड इन्फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बुक्स ला कर के बच्चों को दे सकते हो कि वो उस चीज़ को रीड करें, पढ़ें और आपको बताएं और आपसे पूछें, ठीक है। एंड वन मोर वो वे कि रोल प्ले, मींस आप अपने बच्चे को एक्टिंग भी करके दिखा सकते हैं कि कब उन्हें नो बोलना है और किस तरह से रिएक्ट करना है ऐसे केसेस में, ठीक है। मतलब अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, और बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहिए, ठीक है, ताकि बच्चे आपसे हर चीज़ हर बात शेयर करें, ठीक है। सो किस तरह से रिएक्ट करना है ऐसे केसेस में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसन एंड ट्रस्ट योर किड व्हेन दे टेल यू अबाउट एन इंसिडेंट और अबाउट समवन दिस, ओके। तो उससे क्या होगा, मतलब आप अपने बच्चे को बहुत ध्यान से सुनिए, अगर वो किसी के भी बारे में बता रहा है, आप ये मत कहिए, सोचिए कि अरे ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो जो भी बच्चा आपका बोल रहा है उस पर फुल अटेंशन पे करिए, उसको ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहा है उस इंसिडेंट के बारे में। तो इससे क्या होगा,
दिस विल डेवलप देयर ट्रस्ट इन यू. ठीक है, तो आप में उसका ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि अगर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अगर अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो वो, या बताऊंगी तो वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे और मुझे सुनेंगे. सो वी होप दैट आवर कंटेंट हेल्प्स यू. ऐसी मैं आशा करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक जिस पे मैंने आपको इतना एक्सप्लेनेशन दिया वो आपके काम आएगा और आपके, आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे थ्रू दिस वीडियो. ठीक है, इस वीडियो के थ्रू. सो चिल्ड्रेन, आप लोग को बेटा समझ आया कि आप लोग को क्या क्या नहीं करना है. अगर आपको कोई टच कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या बोलोगे, बहुत ज़ोर से शाउट करोगे और बोलोगे डोंट टच मी, डोंट टच मी. ठीक है, और ऐसे किसी पर्सन के पास जाओगे जिस पर आपको ट्रस्ट है, जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हैं. अगर आपके मम्मा पापा हैं, कोशिश करिए अपनी सारी ईच एंड एवरी थिंग यू हैव टू शेयर विद योर पेरेंट्स, कि हर एक छोटी छोटी चीज़ें भी आप अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर किया करिए बेटा. ठीक है, मम्मा के साथ में, अगर पापा के पास टाइम नहीं है, पापा ऑफिस गए हैं, तो आप इसके साथ में मम्मा के साथ में सारी बातें शेयर कीजिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, आपसे किस, आपके किस फ्रेंड ने आपसे कैसे बात की, क्या बात की. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब आपकी हैबिट में आ जाएगा शेयर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत आप इजीली मम्मा पापा को बता पाएंगे. ठीक है, तो आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा कि आप इन सब चीज़ों को समझिए. ठीक है, और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए. ओके, सो आई होप दैट आप लोग को इससे हेल्प मिलेगी. और बच्चों, आप लोग को भी चीज़ें समझ में आई होंगी कि जब आप घर पर अकेले हैं तो नेवर ओपन द डोर, कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे आप. ठीक है, अगर घर पर कोई आता है और आपको उसके छूने से अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं तो तुरंत आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर मैं बताऊंगा तो मम्मी मुझे डांटेगी या मारेगी. ठीक है, आप तुरंत उनको इन्फॉर्म करेंगे. सो बी केयरफुल ऑल ऑफ यू. ओके, बहुत ध्यान से इन सब, इस वीडियो को आप लोग बेटा देखिएगा, सुनिएगा देखिएगा तो क्या ही, बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर अपने बच्चों को और ख़ुद में भी वो चीज़ें ले करके आइएगा. ठीक है, ताकि बच्चों को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी सेफ जर्नी कर सके. ओके देन, थैंक यू, बाय बाय.